हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट कानपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त हो रहा है कि बैक पोर्ट पर विश्वविद्यालय प्रशासन परिणाम में होंगे संशोधन। ये देखिएगा, परीक्षा परिणाम में लगातार गड़बड़ियाँ सामने आने पर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय प्रशासन बैक फुट पर आ गया है। कई कोर्सों के परिणाम दोबारा जारी किए जाने की तैयारी है। यहाँ पर ये देखिए, बड़ी बात निकल के सामने आ रही कि कई कोर्सों के परिणाम दोबारा जारी किए जाने की तैयारी है। इससे 1 लाख छात्रों को राहत मिलेगी। वहीं 2 विषयों के पेपरों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जिस पर हमारा वीडियो आ चुका है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। यह 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी, जिसके बाद परिणाम संशोधित किए जाएंगे। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आसानी से जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं अपना अपडेटेड रिजल्ट का, वो 30 तारीख तक वेट करेगा। और फाइनली वही बात निकल के सामने कानपुर यूनिवर्सिटी से आ गई। यहाँ पर जैसा कि आपके हमारे द्वारा इस चैनल के द्वारा आपको सारे स्टूडेंट को बताया गया था कि जो भी स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर अपडेट होगा कि नहीं होगा, कब तक हम वेट करें, तो आसानी से उनको लगातार रिप्लाई किया जा रहा है पिछले काफ़ी दिनों से कि आप 30 तारीख तक वेट करें। तो फाइनली वही न्यूज़ निकल के सामने आ गई कि यहाँ पर यह 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। जो कमेटी बनाई गई है वो 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी, जिसके बाद परिणाम संशोधित किए जाएंगे। ये देखिए, परिणाम फाइनली रिवाइज किए जाएंगे, संशोधित किए जाएंगे, अपडेट किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने इस साल नई शिक्षा नीति जारी की थी, इसके तहत सेमेस्टर प्रणाली लागू कर परीक्षाएं कराई गई थी। डिजिटल मूल्यांकन भी हुआ था, इस कारण परीक्षा में तरह तरह की खामियां सामने आई हैं। अंक पत्रों में इनकम्प्लीट, इन अनुपस्थित लिखकर आ रहा है। कोरोना काल में पेपर देने और प्रमोट होने वाले स्नातक और परास्नातक के छात्र भी कम नंबर को लेकर परेशान हैं। BSc भौतिकी एवं रसायन विज्ञान के छात्र भी कम नंबर मिलने की शिकायत कर चुके हैं। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने कहा है कि छात्रों की शिकायत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके तहत यहाँ पर फाइनली कमेटी बन गई है, वो आगामी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट कानपुर यूनिवर्सिटी को सौंपेगी। और बिल्कुल कंफर्म रहिएगा कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कई कोर्सों के रिजल्ट अपडेट किए जाएंगे और दोबारा परिणाम जारी किए जाएंगे। यहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं कम नंबर की वजह से परेशान हो रही हैं। अच्छे स्टूडेंट को फिल कर दिए गए हैं, 75 में से 1 नंबर दिया गया है। और यहाँ पर जो खबर निकल के सामने आ रही है कि पूर्णांक 40 का, प्राप्तांक 44, तो ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा है कि छात्रों की शिकायतों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और कई कोर्सों के रिजल्ट दोबारा से जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी निकल के सामने आ गई है। यहाँ पर आप थोड़ा और वेट करिएगा, आगामी 7 दिन के अंतर्गत ही यहाँ पर फाइनली जब रिपोर्ट, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट कानपुर यूनिवर्सिटी को सौंपेगी, तो उसके तहत कई कोर्सों के रिजल्ट दोबारा जारी किए जाएंगे। यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन कौन से कोर्सों के, लेकिन कन्फर्म रहिएगा कि जो भी BSc हो गया, BA हो गया, MA, MSc इत्यादि, BCOM हो गया, इन कोर्सों के रिजल्ट दोबारा जारी किए जाने की पूरी संभावना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्क्रीन पर आपको चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई नया वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में और सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।